व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की लगातार होती मौतों को लेकर कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस ने इसे सबसे खतरनाक घोटाला करार दिया। पार्टी के मुताबिक बीते 7 साल में 76 लाख लोगों ने परीक्षा दी। मुख्यमंत्री को इस घोटाले की सीधी जानकारी थी और उन्होंने घोटाले होते रहने दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि जिस ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का शव आज बरामद हुआ उसे बीते एक हफ्ते से धमकी मिल रही थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार और बीजेपी के सामने 10 सवाल रखे। सवाल नंबर 1, बिना शिवराज की जानकारी के इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? सवाल नंबर 2, शिवराज कहते हैं कि उन्हें मामले की जानकारी 2009 में हुई, इसके बावजूद घोटाला क्यों नहीं रोका? सवाल नंबर 3, 2009 में जांच कमेटी बनाई, 13 महीने तक कोई बैठक नहीं हुई, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 4, क्या शिवराज सिंह चौहान जांच में हुई देरी की वजह बताएंगे? सवाल नंबर 5, घोटाले में शिवराज के नजदीकी शामिल हैं, तो क्या इस घोटाले में उनकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल नंबर 6, इस मामले में आरोपी शिवराज के पूर्व पीए की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 7, अगर शिवराज घोटाले के वक्त खुद संबंधित विभाग के मंत्री थे तो उनकी जांच क्यों नहीं? सवाल नंबर 8, अगर वित्त मंत्री जेटली निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं तो शिवराज इससे इनकार क्यों कर रहे हैं? सवाल नंबर 9, हाईकोर्ट का हवाला देकर निष्पक्ष जांच पर ध्यान क्यों भटका रहे हैं? सवाल नंबर 10, शिवराज के तहत काम करने वाली एसटीएफ कैसे करेगी निष्पक्ष जांच? बता दें कि सोमवार मध्य प्रदेश के सागर पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रही अनामिका का शव तालाब से मिला। ये घोटाले से जुड़े लोगों की 3 दिन में तीसरी मौत है। पुलिस अनामिका की मौत को खुदकुशी बता रही है। जानकारी के मुताबिक भिंड की रहने वाली अनामिका 2014 बैच की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थी। वो व्यापम का एग्जाम देकर इंस्पेक्टर बनी थी। अब तक व्यापम घोटाले से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।